उसने तेरे साथ गलत किया, तूने उसके साथ किया, हिसाब बराबर ना हो गया। अब भूल जा यार सारी बातें, अब छोड़ दे जिद और दुआ को। देख अभी सादिक को नहीं पता इस बात का, इस मुर्दे को यहीं दफना दे, नहीं तो इसकी बदबू सबको सुननी पड़ेगी। ओ मेरे यारा तेरी यारिया। मेरी प्यारी अम्मा, मैं ये कह रही हूँ कि एक दफा जो हम उनके घर खाना खा कर आए हैं ना, बस वैसा ही खाना, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा खाना हम अपने घर में बनाते हैं और उनको दावत पे बुलाकर हिसाब बराबर कर देते। बल्कि कहते हैं कि रानी पास हुई है। तो यार चौधरी, इस बच्चे की मेहनत जाया तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं खुद जाया हो जाऊंगा, इस बच्चे की मेहनत जाया नहीं होने दूंगा। अच्छा बच्चे, वो वीडियो आपके पास महफूज है ना? भाई बोल ना, कहाँ है वीडियो? मेरे पास कुछ नहीं है सर, वो वीडियो डिलीट हो गई है। नहीं, अब तो बात तब्दील करने के बजाय मुझे अपनी उदासी शेयर कर, मेरी जान दिल हल्का हो जाएगा। एक शर्त पर। हुक्म कर। मैं अपनी उदासी का वजन शेयर करता हूँ, तू मेरा वजन शेयर कर, ताकि मैं जरा हल्का महसूस करूँ ना शेयर करते हुए। पना लाला जी, वह पना पना अपना। आप जहाँ कह रहे हैं वहाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ, मैंने अम्मा को भी बता दिया। शाबाश। अब रख अपने दिल पे हाथों, खा अल्लाह की कसम कि तू मेरे दबाव में आके यहाँ बोल रहा है, जब तेरे दिल को भी अच्छी लग गई रहा नहीं। दिल का तो पता नहीं पर आंखों को अच्छी लग गई है। क्या 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 हो रहा है? अडर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस तरह मुझे शेडो कॉल देती हो, इन्हें भी दो ना। फौजी ना रोते हैं ना रिक्वेस्ट करते हैं और ना ही किसी की शटअप कॉल सुनते हैं, क्यों जीसी गुलजार? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीसी शरीफ, लेकिन इस बार माफ कर दो, अपना ही बच्चा आखिरी टर्म तक बड़ा हो जाएगा, फिर ना शटअप सुनेगा और ना रिक्वेस्ट करेगा। जाने दो यार, घबराया हुआ है। अब्बा जी, पिछले इलेक्शन में मलिक अला यार ने हमें सपोर्ट नहीं किया, अगर किया होता तो आज मैं MNA होता। उसके इलाके के एक बंदे ने हमें वोट नहीं दिया और आप उसके पोते को अपनी बेटी देने का सोच रहे हैं। जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, बेटी देकर तेरे वोटों की पेटी भरवाऊंगा। मेरी सियासत पर इस बार कर उतर, इस रिश्तेदारी की लारी तुझे बहुत जल्द इस्लामाबाद की संधि तक पहुंचाएगी, मौला के हुक्म से। आइए मलिक साहब, आइए। खुश आमद। क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ जी आओ जी, हम मेरा बच्चो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी आया हूँ जी आया। वो रानी बीबी, मेहमान आ गए हैं। तुम क्यों बाछे निकाल के खड़ी हो? जाए यहां से, आती हूं मैं। रानी पुत्र ने कहा कि खुद तो उनके घर रोटियां बोटियां तोड़कर आ गए और अब अपने घर बुला ही नहीं रहे। दूसरे उसने FA भी पास कर लिया, तो उसकी खुशी में आप सबको शरीक करना है। अच्छा जी, पास कर लिया है उसने, मेरी तरफ से तो अगर वो फेल भी हो जाती ना तो मुझे बड़ी खुशी कोई होनी थी। किधर है रानी? वो करिए दरवाजे के पीछे छुप कर। छुप नहीं रही थी मैं तो, बस अपना दुपट्टा सही कर रही थी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम जी। उंदीरे पुत्र जी, उंदीरे। मैंने सुना तुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है, हैं? इतना भी नहीं है मियाँ जी, बस टाइम पास करने के लिए पढ़ लेती हूँ। टाइम पास करने के लिए कोई और शुगल मेला नहीं कर सकती? मेरा मतलब है ऐसे ही बाल भी चढ़ जाते हैं तो दिमाग भी खुश्क हो जाता है। पढ़ाई के अलावा क्या करती है पुत्र?
क्रिकेट खेलती है। चुप कर जा शाहजेब, पुत्र बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, तुझे हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट का पड़ा रहता है। चुप। इसको चुप कराने का मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्रिकेट। चलो हम बाहर चल के खेलते हैं। आप सब बदमा रूम में पापा बातें करें, हम दो ट्वेंटी ट्वेंटी खेल के आते हैं। चल। अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हें बैटरी से चलने वाली गाड़ी दूंगी, और अगर हार गए तो कुछ भी नहीं। हार जीत का छोड़ो, पहले गाड़ी दो तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। कौन सा बंदोबस्त? वही जो पहले बाइक के लिए किया था, आज तुम्हारे लिए कर लूंगा। मेरी मदद के बगैर नहीं मिल सकोगी इससे, बोलो मंजूर है? मेरा तो ईमान है चौधरी साहब, जोड़े और घोड़े आसमानों पे ही बनते हैं जी। हम जमीन वालों की क्या औकात है कि वो उसके कामों में कोई उन्नति का फर्क भी डाल सके। रेस में देखो ना, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, उसी घोड़े ने जीतना है जिसपे अल्लाह की बरकत हुए। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की दौड़ में भी वही जोड़े कामयाब होते हैं जिसपे अल्लाह की मेहर हुए। तो बुजुर्गों की दुआएं साथ हो। तो चौधरी मेहरदीन साहब आज सारे इसीलिए आपके दरवाजे पे। भाई जल्दी आओ, इज्जत का सवाल है। रानी बाजी छक्के पे छक्का मारी है, होम ग्राउंड का एडवांटेज ले रही है। अगर मैं हार गया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं आऊंगा। सारे बोलने की मलिक शाहजेब लड़की से हार गया। हाँ पुत्र जा, तेरा अपना घर है, इसी बहाने पूरी हवेली भी देख लेगा। जा। हाँ तो मलिक जी आप क्या कह रहे थे? भाई मैं काम की बात ही बोल रहा था, ये बच्चे ने आके सारा टेम्पो ही खराब कर दिया है जी। जाओ तो सी जाओ, खेलो जाके वो अपना वर्ल्ड कप जो आप इधर खेलने आए। पता नहीं मलिक के घर में ये मियां दाद किधर से पैदा हो गया। फिर क्या कह रहे थे? घोड़ों और जोड़ों की बात कर रहे थे आप। वो चौधरी साहब वो तुम्हें बोल दिया है ना? हाँ मैं कह रहा था कि आज हम आपके घर पे रानी बेटी का रिश्ता मानने आए। रानी बाजी मैं अपना शेर ले आया हूँ, अब दिखाओ जीत के मुझसे। मेरा ख्याल ड्रेसिंग रूम में होगी, यार को उसे बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अच्छा हुआ नहीं आई, मुझे नहीं खेलना उसके साथ। नहीं भाई मैं मैदान छोड़ के नहीं भागने दूंगा उसे, तुम यार को उसे बुला के लाता हूँ। अबे किधर जा रहे? मैं यहाँ हूँ शाहजेब। आप? मुझे लगा शाहजेब है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। सुनो। अब क्या सुनो, आपने तो मेरे साथ खेलने से मना कर दिया है ना। माना कि मैं अंडर 19 हूँ, आपके लेवल की प्लेयर नहीं हूं, मगर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी इंसल्ट करें। आपने तो मेरी पलकें भिगा दी। नहीं नहीं मैं तो दरअसल शाहजेब को कह रहा था कि मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता। फिर भी अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो आई एम सॉरी। हमारे दरमियान हमारे खानदान वाले जो रिश्ता तय करना चाह रहे हैं उसमें नो सॉरी नो थैंक यू, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि जब आपने पहली मुलाकात में मुझे रिजेक्ट कर दिया था मुझे तो तब भी बुरा नहीं लगा था। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है। वो पहली मुलाकात में भी चेहरा छुपा कर बात कर रही थी, दूसरी मुलाकात में भी चेहरा फेर कर बात कर रही हो,
ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे को देखकर बात करें। मुझे शर्म आती है। ओके, नो इश्यू, बाद में बात कर लेंगे हम। नहीं, हम एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, मेरा मतलब ठीक हूँ। हाँ, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। हैं? मुझे किस बात की? मैं तो तुम एफए में पास होने की मुबारकबाद दे रहा था। मैं भी आपको अपने पास होने की मुबारक दे रही थी। आपको मुबारक हो कि मैं आपके पास हूँ। चलो भाई आ जाओ, करीब हो चुके हो तुम। जानी बाजी के अब्बा ने हाँ कर दी है। Okay, gentlemen, I hope everybody is fine. Yes, sir. How is the morale? Fine, sir. Okay, gentlemen, today you have very important training event, that is cross country. Total distance is 5 miles and the qualifying time is 42 minutes. Gentlemen, now I will tell you about your route. This is your start point, Polo Ground, Forsi Chowk, Kaid Gate, Shabir Sharif Road, Ordnance Chowk, PMA Road, again Kaid Gate, 2 mile track, Jangi track, Jangi Gate, Polo Ground, and your finish point is short range. Is it clear? Yes, sir. Okay, now I will go back to this small mount where I will say go and staff will throw his red flag. You will make a shoot. Is it fine? Yes, sir. Gentlemen, put up a good show and best of luck. Ready? Go! दोस्ती का हर मजा, मोहब्बत में वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई जवादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। फिकर न करो पहलवान, एमएस ने रिपोर्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं, पक्की मोहर भी लगा दी है और अदालत भी भेज दी है। तुम आराम से बाहर आ जाओ, जो करना है करो, बस इस बार जरा देख भड़ी भेजना। जिंदाबाद। जिंदाबाद पहलवान, बड़ी मेहरबानी। क्या है ये? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और क्या है? मेरी आंखों के सामने उस लड़के का कत्ल हुआ है। मेरे सामने जजी पहलवान ने उसके पेट में छुरियां मारी हैं और आपने लिख दिया कि एक्सीडेंट है, सरिया का ट्रक से टकराया और सरिया पेट में घुस के उसकी मौत हुई है। आराम से जवान, आराम से, सुकून से बात भी हो सकती है। बैठो शाह। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे मेरी बात का जवाब दो। कौन है तुम? मरने वाले के वाली वारिस हो? नहीं, मैं एक सहाफी हूँ। सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। बात को इधर उधर करके घुमाओ मत। बात को मैं नहीं, तुम घुमा रहे। अगर तुम सच्ची और पक्के सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। तुम झूठे हो, तुम्हारी ये रिपोर्ट झूठी है। तुमने माल खाया है जज्जी से और तुम सबके सब मिले हुए, ये हॉस्पिटल भी, पुलिस भी, वकील भी और मीडिया भी, लानत हो तुम सब पर। सरकारी अस्पताल में आके सरकारी मुलाजिम पर लानत भेज के हिरासा करना सरकार की नजर में जुर्म है। तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूं झूठे सहाफी।
तेरी तो माफ कर ले, तब गिरफ्तार करवाओगे, थप्पड़ मारने पे क्या करोगे? दूसरी दिलवाओगे मुझे? जिसने मरना था वो तो मर गया, तू क्यों क्राइम रिपोर्टर बनना फिर रहे? अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली थी वो भी छोड़ाया, और डॉक्टर को भी थप्पड़ माराया। डॉक्टर नहीं है वो, टेक्नीशियन है। और डॉक्टर कहाँ जाते हैं लाशों के करीब? ये सब कुछ इन टेक्नीशियनों पे छोड़ा होता है, जो कागज वो देते हैं बस उस पर साइन कर देते हैं, और हम सब समझते हैं कि डॉक्टर ने किया पोस्टमार्टम। सारे के सारे सिस्टम को एक पोस्टमार्टम की जरूरत है। ओए, ना तू टेक्नीशियन है ना मैं डॉक्टर, इसलिए ब्रेकों पर पैर रख। अपनी नौकरी तो छोड़ा है, अब क्या आप ही को भी निकलवाएगा? क्यों भाई, उसे क्यों निकालेंगे, उसका क्या लेना देना इस सबसे? ओ भाई शुक्र कर, तुझे वहाँ किसी ने पहचाना नहीं, वरना अब तक आप ही पर इंक्वायरी बैठ चुकी होती कि इसके भाई ने अस्पताल आके बदमाशी की है और टेक्नीशियन को भी थप्पड़ मारा है। और ये भी शुक्र कर कि तेरा आप ही से सामना नहीं हुआ, वरना पूरे अस्पताल के सामने तुझे जूतों से मारती। सामना होना भी नहीं था, आज उसने छुट्टी की है। क्या देख रहे हो बेटा? सुना रोक रिया बहुत हर डॉन स्टाफ मुस्लिम सर बिकॉज स्थल समलिंग सर आश्रम सर, आपने सिर्फ ऊंचा सर बोलने पर तवज्जो दी है, पलटून की ड्रिल के ऊपर नहीं। कल ड्रिल कंपटीशन है और आपको अभी तक अपनी पलटून की मार्चिंग ठीक करना नहीं आई। आप तो कह रहे थे सर इस दफा मेरी पलटून फर्स्ट होगी, इस ड्रिल के साथ आपकी पलटून पोजीशन तो लेगी, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं वो पोजीशन होगी आखिरी, जो मैं लेने नहीं दूंगा। और अभी अपनी पलटून को रफीला ड्रिल स्क्वायर से आउट करें सर, और आफ्टर क्लासेस आपकी पलटून की कंप्लीट रिहर्सल चेक करूंगा सर। स्टाफ खरियाल समरिक सर असलम जो इज्जत करानी थी वो करवा ली आपने साहब। गांव के साहब साथों आपको राइट गाइड टांके से राइट गाइड राइट नंबर टू। खैर है आज तूने छुट्टी कर ली, तबीयत तो ठीक है बेटी? जी अम्मा तबीयत ठीक है मेरी। अम्मा वो दरअसल आज हमारे घर में मेहमान ने आना है। कौन? वो मैंने आपसे और शारिक से बात भी करनी थी, मैंने आप दोनों को किसी से मिलवाना है, मेरे अस्पताल में काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे आदमी है, तुम्हें अच्छे लगते? एक लगाऊंगी। आज तो धमके ना दो आप भी, आज तो खुशी का मौका है। अच्छा बताओ ना कौन है? जब आएंगे ना तो खुद ही पूछ लेना, और सुनो उनके सामने इतना रंगीला बनने की जरूरत नहीं है, बहुत संजीदा इंसान है वो, उन्हें इस किस्म के मजाक नहीं पसंद। ओह संजीदा आदमी। तनख्वाह कितनी है उसकी? अम्मा खुदा के लिए अब ये ना पूछ लेना उनसे। अच्छा अच्छा नहीं पूछती, तू पूछ के बता देना, तसल्ली हो जाती है। ना मैंने कोई गलत बात की है? माशाल्लाह बिल्कुल गलत कहा। अरे मेरी प्यारी अम्मा जान, अगर मेरी बहन ने पैसे देके किसी को पसंद करना होता तो कब की शादी कर चुकी होती। अब जाके इसे कोई पसंद आया तो वाकई अच्छा इंसान हो। चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। ले यही पी ले तू। नहीं नहीं अपनी वाली आई। बहन को तंग ना किया कर, अल्लाह इसके नसीब दे करे इंशाल्लाह। स्पेलिंग्स पे तवज्जो दो, बहुत गलतियां हैं भाई। याद तो करती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ। याद नहीं करना होता ना, सिर्फ लिखना होता है। एक लफ्ज को कई बार लिखो, सारी जिंदगी नहीं भूलोगी। हाँ कितना किया? ये किया है? पक्की बात है?
बच्चा है। चलो तुम दोनों छुट्टी करो, अब जाओ। टेंसेस का इम्तिहान लूंगा कल, याद करने। मरियम जरा जाते हुए मासूमा बाजी को तो भेजना। अच्छा ठीक है। तुम्हें खिदमत करने के लिए भेजा है, पढ़ाई करने के लिए? एक कप चाय बनाना कौन सी खिदमत है? जिस काम के लिए आई हो वो करो। जब देखो अम्मी की मदद कर रही होती है, कभी कपड़े धो रही होती हो, कभी आमना और मरियम को खाना दे रही होती हो, कभी नौकरों की तरह सफाई कर रही होती हो, इसलिए आई हो शहर? वो तो जब फ्री होती हूँ तभी करती हूँ, बाकी सारा टाइम पढ़ाई करती हूँ। कॉलेज कैसा जा रहा है? फिलहाल सब ठीक है। कोई इशू हो बताना। जरूर। आइंदा मेरी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से कौन से कह रहा हूँ, अगली दफा सख्ती से मना करूंगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है। हाँ बोल। ये बता साथ कब आएगा? यार कंफर्म नहीं है। खैरियत? मंगनी कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम तीनों इस तारीखी मौके में शामिल होकर अमर हो जाओ। पता लगाओ उस बदबख्त का। जबरदस्त, कब है ये तारीखी मौका? यार जब सादा आएगा तभी, उसकी छुट्टी के दोनों में ही करूंगा। ठीक है मैं मालूम करता हूँ। शारिक का कोई पता नहीं चल रहा यार। मैं अगले हफ्ते कुछ काम से लाहौर जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो मेरे जिम्मे और सादा तेरे जिम्मे। डन है। बल्कि काम कर, मुझे उसका नंबर मैसेज कर दे, मैं उसे खुद भी ट्राई कर लूंगा। मैं भेजता हूँ तुझे नंबर। ठीक है ओके दाफेस। तुम अभी तक यही हो? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को इस घर की नौकर नहीं समझती, बल्कि इसे अपना घर समझती हूँ। कहाँ लेके जा रही हो? अभी तक मैंने एक सिप भी नहीं ली। ठंडी हो गई है, गरम करके लाती हूँ। ये कहाँ से उठा ले आए हो? रजा की बैठक से। मेहमान को क्या प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठाएंगे? फिक्र ना करो, मेहमान जाएगा तो ये भी चला जाएगा। चल भाई। अब कहाँ जा रहे हो? मेज लेने। और क्या, प्लेट्स क्या हाथ में पकड़ के खड़े रहेंगे? ऊपर जो मेज पड़ी है ना उसी को ले आओ, 15-20 मिनट दूर है, बस आने वाले हैं वो लोग। तेरी। चल भाई जल्दी कर, टाइम बहुत शॉर्ट है। कहाँ तक पहुँचे? जनाब गली में। इजाजत है आ जाऊं? जी। ये सारे काम मेहमान के आने से पहले के हैं, और वो बाहर खड़ा है तो तुम तैयारियां कर रहे हो? हो गया अम्मा, जल्दी करो। चल रख, और जल्दी करो। अरे अभी जाके तुम रिसीव करो, मैं रेडी होके आते हैं। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, आओ बैठो बैठो। ठीक हो? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। घर मिल गया था आसानी से? जी माँ जी। अच्छा, अरे तू क्यों खड़ी है, बैठना। ये शारक कहाँ चला गया? शारक आया माँ। आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। शारिक
क्या हुआ पार्टनर, आज तू खाने से इंतकाम नहीं ले रहा, सब ठीक तो है? यार कुछ ठीक नहीं, हमारी ड्रिल बहुत बुरी जा रही है। हम सब तो अपनी जान मार रहे हैं, और क्या अब हम जान दे दें? जान मार रहे होते ना तो एसएम की मुझे झाग नहीं निकल रही होती, अब वो हमारे स्टाफ के साथ इतना सख्ती ना कर रहे होते। उस बेचारे का चेहरा ही उतर गया। यार उसका तो सिर्फ चेहरा उतरा था, ये कंक्रीट पटांगे मार मार के हमारे जो गोड़े गिट्टे उतर गए हैं वो हमसे जितना हो सकता था हम कर रहे हैं। यार हमारा तो स्टाफ ही मठ है, इनमें करंट ही नहीं, करंट होता तो कुछ ना कुछ करवा लिया होता। देखा एसएम साहब के जाने के बाद कितना चिल्ला रहे थे, जैसे उनका नहीं हमारा कसूर है। क्या गलत बातें ना कर, वो अपना 110% दे रहा था, हमारे यूनिफॉर्म के बटन से लेकर बूट्स के लेसेस बांधना सिखाया उसने हमें, और कभी खुद भी बांधता था। अगर हमारी प्लेटून नहीं जीती तो उसमें उसका नहीं, हम सबका कसूर है। तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है, कल कॉम्पिटिशन है, एक रात में क्या कर लेंगे हम? अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। जो काम हम 5 महीनों में नहीं कर सके वो टर्म के एंड पे, और वो भी एक रात में, कैसे करेंगे यार? जीतने के लिए एक रात भी काफी है, हारने के तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये बात करके तूने मेरे मुर्दा जमीर को जगा दिया, अल्लाह की कसम समझ तो नहीं आई मुझे, लेकिन तूने जिस प्रेशर से बात की है ना, मुझे लग रहा है कोई काम की बात है, मैं तेरे साथ हूँ। यार लेकिन करना क्या है? प्रैक्टिस बटालियन नोट पर। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। यार तू पीछे हट रहा, शर्म कर यार। सोने के 4 घंटे मिलते हैं, वो भी ये जालिम कह रहा है उसको दे दे। नहीं भाई नहीं, मुझे सोना है। मुझे भी। ओके नींद नहीं आ रही ना? हाँ। क्यों? दिल पर बोझ है। जैसे भाइयों को मैदान में छोड़ के भाग गए हूँ। जैसे खुद गर्ज हूँ। जैसे कमजर्फ हूँ। कमजर्फ भी और बेगैरत भी। Boş!
Gentlemen, we have just witnessed elementary drill competition, displayed a good standard of turnout, and performed some very coordinated drill movement. Gentlemen, the aim of the drill at the academy is to instill a soldierly pride in the cadet. Best drill instructor, Waldar Muslim. The runner-up platoon is Tibu Platoon. The winner of elementary drill competition is Veda Platoon. आया नहीं अभी तक? आ जाएगा अम्मा। एक दफा आ जाए तो दो चार हाथ लगा के पूछूंगी, कैसा तो कोई घर में आए दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुमने मेहमान के साथ किया है। आने दो एक दफा। अम्मा अगर वो घर ही ना आया तो फोन भी बन जा रहा है उसका, जवाद को भी नहीं पता कहाँ गया वो। आ जाएगा तू फिक्र ना कर, माँ बहन को छोड़ के नहीं जा सकता। अल्लाह जाने रात कहाँ गुजारी होगी बदबख्त ने। कहाँ गुजारी होगी, अपने जैसे किसी नकम्मे यार की बैठक या छत पे गुजारी होगी, और कहाँ गुजारेगा। वैसे वो शाम तक जरूर आ जाएगा, कोई पराया कब तक किसी को मुफ्त की रोटियां खिलाता है। आ गया, नाश्ते के बगैर ही निकाल दिया होगा यार ने मौला के करम से। शारी का कुछ पता चले? नहीं आपी, सोफे उठाने आए थे रजा की बैठक के लिए। सलाम चची। वालेकुम सलाम। हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे जो सुबह सुबह इस लाश को उठाने आ गए? शार्क कहाँ है? पता नहीं चाची। तुझे सब पता है, उसकी असल माँ तो तू है। तू, तेरे मुंह पे लिखा है कि तुझे सब मालूम है, कुरान पे हाथ रखवा इस झूठे का। जवाद, शारिक को कहना कि मेरी बात सुन ले, और ये भी कह देना कि अगर वो घर ना आया ना तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी। ठीक है। हराम खोर है वो, लाशों के सौदे करता है, कफन बेचता है उनके। उस बेचारी को क्या पता कि वो क्या सब पता है? इसे सब पता है इस बेचारी को, उसी हॉस्पिटल में नौकरी करती है ये। सवाल ही पता नहीं होता कि इसको पता ना हो। हाँ जानती हूँ कि क्या करता। क्या जानती हूँ? जब जानती हो तो उसे घर में क्यों घुसा लियो? बोलो। शौहर है वो मेरा।